عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله كما هو أهله ومستحقه معزز سامعین کرام پوری محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ الفت کے ساتھ پیار کے ساتھ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد مولانا محمد दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है बोलो सुभान अल्लाह माशाल्लाह बिरयानी कहाँ भी गई नहीं हाथ है दिलों से गम मिटाता है माशाल्लाह मोहम्मद नाम ऐसा है माशाल्लाह जब तक जोर से सुभान अल्लाह नहीं बोलते पूरी रात ये एक ही चेक मिश्रा पढ़ ले पड़ा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है सुभान अल्लाह ये जोर से कई को बोले बोलो जल्दी बयान खत्म हो जान दो दिल से बोलो
औरतों को बोलने की इजाजत नहीं, अगर उन्हें बोलते पूरे बेंगलुरु को सुने आता, क्योंकि उसकी आवाज भी पर्दा है, उन्हें पर्दा नहीं, उसकी आवाज पर्दा, उसका साया पर्दा, उसके कपड़े पर्दे, उसके जूते चप्पल पर्दे। ये इस्लाम की शान है। दुनिया की सबसे कीमती चीज को छुपा कर रखना एक इंसान की फितरत है, और इस्लाम की निगाहों में औरत से ज्यादा कीमती चीज कोई नहीं। इस्लाम इसीलिए कहता है उसे भी छुपा कर रखो। तुम्हें बोलो सुभान अल्लाह। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। सुभान अल्लाह। नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। सुभान अल्लाह। नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। कोई याकूब को पूछे के यूसुफ मिल गए कैसे। यूसुफ अलैहि सलाम, याकूब अलैहि सलाम बाप बेटे थे, बिछड़ गए, फिर मिले तो कैसे मिले। आगे सुनो। कोई याकूब को पूछे के यूसुफ मिल गए कैसे। ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। सुभान अल्लाह। ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहंशाही। उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहंशाही। खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। सुभान अल्लाह। खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। और एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ ले। इस वक्त आजकल शहर बिंगलौर में जलसे होना एक अजीब बात हो गई। खरियों में हो रहे, शहर में बहुत कम जलसे हो रहे हैं। पता नहीं कि क्यों ये हाल बना है शहरों का। मेरे साथी हैदराबाद से भी तशरीफ लाए, वहां का भी यही हाल है तकरीबन। ऐसे वक्त में मड़वाल मोहल्ले में इतने शान और शौकत के साथ जलसा मुनक्किद करना, पूरे मोहल्ले को सजाकर और आज की खुशी में सिर्फ मुसलमान नहीं, हमारे इस इलाके के हिंदू भाई भी शरीक है। जिस दीवार में देखे उस दीवार में लाइटें ही लाइटें, स्टेज भी जगमगा रहा है मेरे नबी के नाम से, तो इस रास्ते की गली और किनारे में मंदिर भी जगमगा रहा है।
इससे साफ पता चलता है वो बात इस मोहल्ले में नहीं है जिसकी वजह से सारी दुनिया बर्बाद हो रही है। मैं दुआ करता हूं स्टेज में तशरीफ फरमा हजरात से गुजारिश करता हूं और आप तमाम हजरात से भी गुजारिश करता हूं, दुआ करें इस मोहल्ले में जो मोहब्बत है ऐसी मोहब्बत पूरे बेंगलोर में हो जाए। जरा जोर से आमीन बोलो ना। आमीन। पूरी रियासत कर्नाटक में हो जाए, पूरे मुल्क में हो जाए। याद रखो मेरी बात, जो जो हजरात समझते हैं समझे, मुल्क की तरक्की पैसों से नहीं, मुल्क की ताकत मिलिट्री से नहीं, मुल्क की तरक्की मोहब्बत से है। मुल्क की ताकत मुल्क में रहने वाले लोगों के आपस के प्यार से। एक मां बाप के बच्चे एक घर में अगर है, तवज्जो से सीरत ही बयान कर रहा हूं, मुकदमा पेश कर रहा हूं, तवज्जो से सुने। एक घर के अंदर एक मां बाप के 10 12 15 बच्चे हैं और मां बाप की अच्छी तरबियत हुई है उन बच्चों के दरमियान, मैं पूछना चाहता हूं कि वो बच्चे क्या आपस में दुश्मन हो सकते हैं? अरे मुंडी तभी हलो रे बाबा, हो सकते? एक घर में आज 10 12 15 बच्चे हो और मां बाप ने उन बच्चों की अच्छी से अच्छी तरबियत किए हो तो क्या वो बच्चे आपस में दुश्मन हो सकते हैं? बिल्कुल इसी तरीके से एक मुल्क में कई मजहब के लोग हो और मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपस में मिलकर रहने का सबक दिया हो तो फिर उस मुल्क के आपस के मजाहिब के लोग लड़ते नहीं, हाँ लड़ा सकते हैं लड़ते नहीं। ऐसी मोहब्बत की सख्त जरूरत। और मैं साफ साफ कहता हूं हमने हमारी तरफ से मोहब्बत का पैगाम दिया और हम हमारी तरफ से मोहब्बत का हाथ आगे करते हैं। आप लोग भी अपनी तरफ से मोहब्बत का पैगाम दो और मोहब्बत का हाथ आगे करो। जब दो मोहब्बत के हाथ आपस में मिलते हैं तो उसी को ताकत कहते हैं। मैं बहुत खुश हुआ, इससे पहले भी आया हूं और इस मर्तबा भी हाजिर। गली गली को सजाया गया, घरों घरों में लाइट डाले गए और बिरयानी का क्या कहना, बाजू गली में पकड़िए यहां खुशबू आ रही है। अब सिर्फ दुआ की देर है। किसकी? दुआ की देर है। दुआ होते ही यलगार दस्तरखान पे जो हमला होगा वो देखने के लायक होगा। इंडिया का सेमीफाइनल बाद में होगा लेकिन मणवाल का फाइनल पहले होगा। गर्ज मेरे सामने बैठे हुए और स्टेज में बैठे हुए तमाम मुसलमान भाइयों से मैं एक नुक्ता पेश करना चाहता हूं, तवज्जो से सुने। पर्दे में बैठी हुई मेरी मां और बहनों से भी गुजारिश है थोड़ी देर के लिए सीरत का ये पैगाम सुने कि ये हमने इसने जो मुनक्किद किया, उलमा को बुलाया और लाइटें सजाई और बिरयानी बनाया हुजूर की मोहब्बत में, यही असल मोहब्बत नहीं।
और इसे मैं मोहब्बत भी नहीं कहता, बल्कि मोहब्बत है ये भी मोहब्बत। ये स्टेज का सजाना, उलमा को बुलाना, सीरत का सुनना, सीरत का सुनाना, पूरे मोहल्ले को सजाना, बिरयानी और पलाऊ बनाना, ये भी मोहब्बत है। लेकिन यही मोहब्बत नहीं, मोहब्बत के दलीलों में से एक दलील, मोहब्बत के सबूतों में से एक सबूत। और बड़वाल के मुसलमानों, मेरे आका जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की वो वाहिद जात है जिससे हम क्या मोहब्बत करें, कायनात का जर्रा जर्रा मोहब्बत करता है। ये जमीन मोहब्बत करती है, आसमान मोहब्बत करता है, चांद मोहब्बत करता है, सूरज मोहब्बत करता है, कोई माने या ना माने, बात तो पक्की है। तवज्जो से सुने, मेरा नबी, आपका नबी, बल्कि सारी दुनिया का नबी, मेरा नबी जो बोलते हैं ना, वो मोहब्बत में आकर बोलते हैं। हालांकि हमारा नबी सिर्फ हमारा नहीं, सबका नबी। तीन चीजें ऐसी हैं जिसे मुसलमान भी कह नहीं सकता कि ये तीन चीजें सिर्फ हमारी है। हाँ, ये घर मेरा है तो मैं कह सकता हूँ मेरा घर, ये गाड़ी मेरी है तो मैं कह सकता हूँ कि ये गाड़ी मेरी, बंगला मेरा है तो मैं कह सकता हूँ कि बंगला मेरा, प्रॉपर्टी मेरी है तो कह सकता हूँ कि प्रॉपर्टी मेरी, बैलेंस मेरा है तो मैं कह सकता हूँ कि बैलेंस मेरा। लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं जिसे मुसलमान को भी ये कहने की इजाजत नहीं कि ये तीन चीजें सिर्फ मुसलमान की है, बल्कि तीन चीजें ऐसी है वो पूरे कायनात की है। एक है अल्लाह, समझ में आ रही है महबूब साहब, अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का नहीं, अल्लाह सिर्फ मक्के वालों का नहीं, अल्लाह सिर्फ मदीने वालों का नहीं। हजरत, अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सब का। क्या दलील, क्या सबूत, क्या प्रूफ? एक एक नौजवान गौर से सुने, किसी नौजवान को, किसी मुसलमान को उठने की इजाजत नहीं, जलसे रस्म के तौर पर नहीं मनाना, जलसे हकीकी मोहब्बत को सामने रखकर मनाना, जलसे में आने वाले भी जलसा सुनना, जलसा मनाने वाले भी जलसा सुनना, जलसे में जिन जिन को बुलाते हैं वो तमाम हजरात भी जलसा सुनना। मुझे मालूम हुआ हमारे एमएलए साहब आकर गए, मेरी गुजारिश ये है कि एमएलए हजरात अक्सर मसरूफ होते हैं, लेकिन हमारी मसरूफियत से तो ज्यादा नहीं हो सकती। गुरुओं से ज्यादा कौन मसरूफ होगा, सामियों से ज्यादा कौन मसरूफ होगा, पंडितों से ज्यादा कौन मसरूफ होगा, फादरों से ज्यादा कौन मसरूफ होगा, उलमा का कहना तो क्या है, उलमा से ज्यादा मसरूफ कौन होगा। मैं जावीद भाई से बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ कि आइंदा जब जलसा रखेंगे, जिन हजरात को आप बुलाएंगे, उनको किरात से लेकर दुआ तक का वक्त लेकर बुलाओ, ताकि वो भी सुने हम मौली साहब क्या बोलते, बोलकर उनको भी मालूम होना ना, क्योंकि मौली साहबों पर डाउट है, मस्जिदों पर डाउट है, मदरसों पर डाउट है, डुबने वालों पर डाउट है, दाढ़ी वालों पर डाउट है, खुराक पर डाउट है, झुबे वालों पर डाउट है। ये डाउट हुआ क्यों? ये डाउट पैदा होता है दूर रहने से, करीब रहने से डाउट पैदा नहीं होता। जब भी जहां भी एक दूसरे दूर होते हैं तो डाउट पैदा होता है, जब आपस में करीब होते हैं अंदर रहने वाला डाउट भी दूर हो जाता है। मिसाल दे तू समझो, सुन रही की सॉरी, सुन रही, हल्दी भी नहीं, हजर भी नहीं, माशाल्लाह,
एक मिसाल, मेरे पास फैसले भी आते, एक फैसला आया, शौहर बीवी पर डाउट कर रहा, शौहर बीवी पर डाउट कर रहा, डाउट का जमाना। ये मुंबई लाने के बाद तो अब डाउट ज्यादा होगा। मेरे पर्दे में बैठी हुई मेरी माओ से, बहनों से, मेरी बच्चियों से साफ साफ कहता हूं, इतना अच्छा पैगाम देना चाहता हूं, और इस पैगाम की सिर्फ मुसलमान औरतों को नहीं, हर औरत को जिसके साथ मेरा इंसानियत का रिश्ता है, मुल्क का रिश्ता है, खुदा की कसम उन तमाम रिश्तों तक मैं इस पैगाम को पहुंचाना चाहता हूं कि मेरी महिलाएं, मेरी माएं, मेरी बहनें, तुम अपनी इज्जत की हिफाजत अगर करना चाहती है तो मजबूत गेट बनाने की जरूरत नहीं, तुम अपने आप को, अपने आप को मुंबई से बचा लो, तुम्हारी इज्जतें महफूज हो जाएगी। गेटा बनाना, लाका डालना, कुफला डालना, ये भी जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी हिफाजत इस दौर में महिलाओं की कब होगी, जब उनके हाथ में मोबाइल नहीं होगा। और मैं अल्लाह की कसम खाता हूं, दूसरे लोगों को समझाने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, मैं ईश्वर की कसम खाता हूं, मेरी मुसलमान बच्ची, मेरी मुसलमान बहन जो 17 इयर्स की हो, 18 इयर्स की हो, 20 इयर्स की हो, कॉलेज में पढ़ने वाली हो, उसके हाथ में मोबाइल देखकर मुझे जितनी तकलीफ होती है, कसम अल्लाह की, ईश्वर की कसम, इस कायनात के बनाने वाले की कसम, सूरज के खुदा की कसम, चांद के खुदा की कसम, जमीन के खुदा की कसम, आसमान के खुदा की कसम, पत्थरों के खुदा की कसम, दरख्तों के खुदा की कसम, हवाओं के खुदा की कसम, पानी के खुदा की कसम, वही इस मुल्क की बतौर खास कोई हिंदू बच्ची अपनी जवानी की उम्र में पहुंचकर कॉलेज में पढ़ने वाली, कॉलेज में पढ़ने वाली अगर उसके हाथ में मोबाइल देखता हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि इज्जत का कोई धर्म नहीं होता, भूख का कोई धर्म नहीं होता, जरूरत का कोई धर्म नहीं होता, दर्द का कोई धर्म नहीं होता, तकलीफ का कोई धर्म नहीं होता। इंसानियत का सबक यही है, इस्लाम का सबक यही है, जगत गुरु का सबक यही है, कुरान का सबक यही है। तो मुसलमानों को भी खाना खिलाओ, हिंदुओं को भी खाना खिलाओ, ईसाइयों को भी खाना खिलाओ, तो मुसलमानों की भी मदद करो, हिंदुओं की भी मदद करो, ईसाइयों की मदद करो, दलितों की मदद करो, दूसरी तमाम कौमों की मदद करो। मुसलमान नंगा है उसे भी कपड़ा दो, हिंदू भाई के पास कपड़ा नहीं उसे भी कपड़ा दो, अगर कोई मुसलमान मांगता है उसे देने पर अल्लाह और ईश्वर जितना देते हैं, हिंदू अगर कोई पूछता है, सवाल करता है, भीख मांगता है, सदाए लगाता है, उसे 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये देते हैं। ये बयान नहीं है, ये तकरीर नहीं है, ये ऐसी वैसी बात नहीं है। आप आ जाओ, हम अपनी किताबें बयान कर देंगे, ये मुसलमान अगर मजबूर होकर सवाल करता है, भीख मांगता है, उसे 1 रुपया देते हैं, 5 रुपये देते हैं, 10 रुपये देते हैं, 50 रुपये देते हैं, हमारा अल्लाह, हमारा ईश्वर किसी गरीब की मदद करने पर जो देता है वही देता है, उतना ही देता है, वैसा ही देता है जब हिंदू की मदद करता है। बोल दो सुभान अल्लाह। हमारे कुरान में कहीं भी लिखा नहीं है, हमारे जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद ने कहीं भी ये नहीं कहा सिर्फ मुसलमानों की मदद करना। वो तो कहता है इंसान तो इंसान, जानवरों की भी मदद करना। वो जानवर तो जानवर, मेरे दोस्तों
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्यार का, मोहब्बत का इससे बड़ा सबक क्या हो सकता है जिसको जगत गुरु ने दिया। दरख्त के पास पेशाब न करो। दरख्त का तो ट्री झाड़ पेशाब मालूम आता, बेंगलुरु में तो ज्यादा आता, मौसम ही ठंडा है, मौसम ठंडा रहा तो पेशाब आता है, मौसम अगर गर्म हो तो पसीना बनकर निकल जाता है अंदर का पानी, पेशाब आता है। हा हा हा, इस्लाम, कुरान, जगत गुरु क्या क्या सिखाया, क्या क्या बताया, क्या क्या कहा, क्या क्या फरमाया, खाना भी खाने का तरीका, पानी पीने का तरीका, सोने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, रास्ते में जाने का तरीका, बेचने का तरीका, खरीदने का तरीका, माँ से बात करने का तरीका, बाप से बात करने का तरीका, बीवी से बात करने का तरीका, बच्चों से बात करने का तरीका, गाड़ी चलाने का तरीका, ऊपर चढ़ो तो कैसा चढ़ो, नीचे उतरो तो कैसे उतरो, हंसो तो कैसा हंसो, रोवो तो कैसा रोवो। अल्लाह अकबर कबीरा, सुनो मेरे दोस्तों, सुनो प्यारा सबक, कहीं भी हो ले लो, ये ना देखो ये सबक कहां से मिलता है, अच्छा दिमाग तो कहीं से भी मिलता है, हम खरीद लेते हैं, ये नहीं देखते कि दुकान हिंदू का के है कि मुसलमान का, अच्छी खोटी मिल जहां भी मिलती है हम खरीद लेते हैं, ये देखते नहीं कि ये दुकान मुसलमान का है कि हिंदू का है, अच्छा प्यार कहीं भी मिलता है हम खरीद लेते हैं, ये देखते नहीं कि ये दुकान हिंदू का है मुसलमान का है, ये प्यार हमारे मुल्क भारत में सलामत था, सलामत है, सलामत रहेगा। हमने देखा मुसलमानों के दुकानों में हिंदू भाइयों को खरीदते हुए, हिंदू भाइयों के दुकानों में मुसलमानों को खरीदते हुए। कुछ लोग कहते हैं इनके दुकान में न खरीदो, उनके दुकान में न खरीदो, ऐसा कहने वालों को जमाने ने देखा, अपना धर्म छोड़कर दूसरों के दुकान में खरीदते हुए। मैं बताना क्या चाहता हूं, बात लंबी हो जाएगी। जब अच्छी चीज मिलती है दुकान नहीं देखते, जब अच्छी बात मिलती है तो मजहब भी नहीं देखते, जब अच्छी चीज मिलती है दुकान नहीं देखते, जब अच्छी बात मिलती है धर्म भी नहीं देखना। राम से अच्छी बात मिल जाए ले लो, सीता से अच्छी बात मिल जाए ले लो, लक्ष्मण से अच्छी बात मिल जाए ले लो, ईसा से अच्छी बात मिल जाए ले लो, गुरु नानक से अच्छी बात मिल जाए ले लो, मोहम्मद से अच्छी बात मिलती है तो ले लो। इंसान बनता है अच्छी बातों को लेने से, नफरत पैदा करने से, वो बादल तो इंसान का रहेगा, कुत्ते से बदतर हो जाएगा, बिल्ली से बदतर हो जाएगा, गंदे जानवर से बदतर हो जाएगा। जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, टी दरख्त झाड़, झाड़ के पास भी पेशाब न करो। किसके पास, झाड़ के पास पेशाब न करो। पेशाब करने की जहां जगह है वहां पेशाब करो, झाड़ के पास पेशाब न करो, क्योंकि झाड़ के अंदर भी जान होती है, झाड़ के अंदर भी जान होती है। जिस बात को आज की साइंस कहती है उस बात को 1450 साल पहले हमारे नबी ने कह दिया। जिस बात को, अच्छा चलो एक बात याद आ गई, 10 बजे से पहले खत्म करना है, जहां तक जाते जाते खत्म कर डालते। जितनी बातें आज साइंस कह रही है, शरीफ साहब तवज्जो चाहता हूं, इससे बैठे हुए सुन रहे हो आप लोग,
पीछे बैठने वाले सुनते नहीं, मुमेरा देख लो मेरे को। इसके वास्ते हम ना पीछे बिठा को सबको सामने बिठाना, सब भी सुनो बात। जितनी बातें आज साइंस कहती है वो तमाम बातें हमारे नबी ने 1450 साल पहले कह दिया। एक महीना पहले अखबार में एक रिपोर्ट आई, गौर से सुनना, अखबार में एक रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट क्या है बताऊंगा थोड़ी देर, 2 मिनट रुको। हमारे जगत गुरु, तुम्हारे जगत गुरु, कायनात के जगत गुरु, पूरी दुनिया के जगत गुरु प्रॉफिट हजरत मोहम्मद मुस्तफा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले एक बात बताया। क्या बताया? ज्यादा बच्चे पैदा करो। खामोश हो गए, सुनो भी तो, ये बीच में आने वाले लोगों को जरा रोको, चलो बेटे इधर चलो, वहां कौन भी एक नौजवान खड़ जाओ, अगर उनका घर को जाने का रास्ता यही है तो उनको जाने दो, बेकार का नहीं। सुनो, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ज्यादा बोलो बच्चे पैदा करो। अब कानून क्या क्या की बंदा, मैं कानून की मुखालफत में नहीं जाता, जगत गुरु के फरमान का राज क्या है बताता हूं। ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा करो कितने? अरे बोलो भी कितने? जब तक जन सकते हैं तब तक जन, जगत गुरु ने कहा। आप कानून बनता है बच्चे कम पैदा करो, बच्चे कम पैदा करो, कानून कानून है, लेकिन यह बात पक्की है हमारे बच्चों को पैदा करने के बाद, चाहे मुसलमान हो के हिंदू हो, सिख हो के ईसाई हो, हमारे बच्चों को हम ही को पालना पड़ता है, हुकूमत पालती नहीं है। पालती पालना तो हम ही को है। एक बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, बाप मेहनत पे मेहनत मेहनत पे मेहनत मेहनत पे मेहनत करता है, फिर कानून की क्या जरूरत है? चलो, लेकिन ये बात तमाम मजहबी किताबों में लिखा है, इस पूरी कायनात को कोई पालता नहीं, पालता है तो अल्लाह और ईश्वर पालता है, पालता है तो अल्लाह और ईश्वर पालता है। जगत गुरु ने कहा बच्चे ज्यादा पैदा करो। आज बूढ़े लोगों को पूछो कम बच्चे पैदा करने का फायदा नजर आ रहा है या ज्यादा बच्चे पैदा करने का फायदा नजर आ रहा है, तो वो बूढ़े बुढ़ापे में पहुंचकर अपनी तन्हा जिंदगी को सामने रखकर अफसोस करते हुए वो भी इस बात के सामने सर झुकाते हैं कि जगत गुरु ने जो कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करो यही अच्छा फार्मूला है, इसलिए कि अगर कम बच्चे पैदा करेंगे, 1 बच्चा या 2 बच्चे पैदा करेंगे तो होगा क्या कि वो बच्चे हमारे बुढ़ापे में हमारा साथ देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। 4-5 बच्चे अगर हो, बच्चे बड़े हो गए, बाप बूढ़ा हो गया, घर में बांट गया, मां बूढ़ी हो गई, घर में बांट गई, अब बच्चे पूरे कमाने लग गए, बेटियों की शादी हुई, सब अपने सास के घर चले गए, बेटों की शादी हुई, सब अपने घर को लेकर आए, अब बच्चे पूरे कमा रहे हैं, बाप बूढ़ा हो गया, अब ऐसे वक्त में बाप क्या कहता है अपने जवान बच्चों को बुलाकर, इधर आओ भाई, मैं कमा कमा कर बूढ़ा हो गया, अब तुम कमाने के लायक हो गए,
मैं कमा नहीं सकता, मेरी भी पॉकेट मनी की जरूरत है। तुम्हारे बच्चों का मैं दादा हूँ, तुम्हारे बच्चों का मैं दादा हूँ, तुम्हारे बच्चों का मैं ग्रैंड फादर हूँ। तुम चले जाते हो ऑफिस को, तुम्हारे बच्चे आते हैं, ग्रैंड फादर समझ कर आते हैं, दादा समझ कर आते हैं, हमारे पास 10 रुपए पूछते हैं, वो भी महंगाई का दौर है, अंकल का दौर है। हमें जब छोटे थे 5 पैसे पूछते थे, कितने पैसे? 5 पैसे पूछते थे। आज उठाते ही बच्चा कितना पूछ रहा है? 100 रुपए लुकमा आ रहा है। मेरा बच्चा तो अब तक पूछा नहीं, इसका उसका मुझे मालूम नहीं, शायद आपका बेटा पूछा रही है। 100 रुपए बच्चे पूछ रहे, पूछ रहे, पहुंच रहे। 200 रुपए पूछ रहे। अरे बच्चे पूछ रहे तो दूर की बात, बच्चियां पूछ रहे। आहा, कॉलेज में जाती है तो जाकर आने के लिए डेली बाप 200-300-400 देता है। बच्चों को ज्यादा पैसे न दो। मुसलमान हो के हिंदू हो के सिख हो के ईसाई हो, ये ना समझो कि बच्चे सिर्फ तुम्हारे हैं, बच्चे इस महान भारत के हैं। वो हमेशा बच्चे नहीं रहेंगे, आइंदा चलकर इस भारत को संभालने के लायक बनने वाले हैं। इनकी तरबियत अच्छी से अच्छी करो। मुंबई की तरफ जाकर यहाँ तक आ गया, सुनो, इन बच्चों की तरबियत अच्छी से अच्छी करो। बच्चों को दो चीजें बतौरे खास हाथ में ना दो, एक मोबाइल बच्चों को कभी हाथ में ना दो, दूसरा पैसा। दो बच्चों को 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, जो जरूरत और जरूरत की जो कीमत उतना पैसा दो, उससे ज्यादा बच्चों को पैसे ना दो। इसलिए के मोबाइल से और पैसों से बच्चे जितना खराब होते हैं, गंदे माहौल से उतना खराब नहीं होते। बात सही है कि गलत है? सही है नहीं? हमारे बच्चे 500 रुपए, 1000 रुपए। और एक बात दर्ज करता हूं, हर धर्म का आदमी इस आदेश को, प्यार करने वाले इस भाई की बात को सुनो, बच्चों को बाहर ज्यादा देर तक ना छोड़ो, उनको जल्द से जल्द घर के अंदर लेकर आ जाओ। हमारे जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद ने आज से 1450 साल पहले, जब सारी दुनिया में अमन था, सारी दुनिया में प्यार था, सारी दुनिया में हिफाजत थी, सारी दुनिया में सदाकत थी, सारी दुनिया में अमानत थी, ऐसा फसाद, ऐसा फितना, ऐसी बेहयाई और ऐसी आजादी उस जमाने में नहीं थी। फिर भी जगत गुरु ने साफ ऐलान किया, सूरज के गुरूब होने से पहले पहले अपने बच्चों को अपने घर के अंदर बुला लो। हमने आज 30 साल पहले भी यह माहौल देखा कि 30 साल पहले, 40 साल पहले हमारी माए, आपकी माए, मुसलमान माए, हिंदू माए, सिख माए, दलित माए, सूरज के डूबने से पहले पहले अपने बच्चों को बुलाकर घरों के अंदर बिठा लेती थी, काम में लगा देती थी, स्कूल का होमवर्क कराती थी, जल्दी से जल्दी खाना खिलाती थी और जल्दी से जल्दी सुलाती थी। 9 बजे हमारे बच्चे सो जाते थे, 9:30 बजे हमारे बच्चे सो जाते थे, 10 बजे हमारे बच्चे सो जाते थे, सुबह के 5 तक सोते थे। सुबह का वक्त हिंदुओं का अलग नहीं, मुसलमानों का अलग नहीं, सिखों का अलग नहीं, दलितों का अलग नहीं, किसी का नहीं। सुबह के उठने का वक्त सबका बराबर था। कोई उठकर नमाज को जाता था, कोई उठकर मंदिर को जाता था, कोई वजू करके नमाज पढ़ता था, कोई स्नान करके पूजा करता था। उठने का वक्त धर्मों का अलग नहीं होता था। हमारे जगत गुरु के एक लाडिले, हमारे जगत गुरु के
याद रखो याद रखो, मुसलमानों तुमसे भी कहता हूं याद रखो, हजरत अली ने फरमाया ऐ मुसलमानों सूरज के उठने से पहले तुम उठ जाओ तुम्हारा दिन कामयाब हो जाएगा। अगर तुम उठने से पहले सूरज उठ गया तुम लाख कमाओ तुम्हारा दिन नाकाम है। सूरज के उठने से पहले उठ जाओ, बात पे बात जा रही है, सबके फायदे की बात कर रहा हूं मैं। आज इस मड़वाल के खूबसूरत माहौल में नमाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो बात कर रहा हूं जगत गुरु की, वो बातें पेश कर रहा हूं जिसकी जरूरत सिर्फ मुसलमानों को नहीं हर इंसान को है। जगत गुरु ने क्या कहा, बच्चों को सूरज के गुरूब होने से पहले पहले बुला लो। आज मेरी माए मेरी बात जहां तक जाती है जाने दो, पर्दे में बैठी हुई मेरी मुसलमान बहने सुनो, घरों में बैठ कर इस आदिश की बात को मेरी बहने अगर हिंदू बहने सुनती है वो सुनो और अमल करो। सूरज के गुरूब होने से पहले, सन के डूबने से पहले अपने बच्चों को हमारी माएं हमारी दादियां हमारी नानियां अपने बच्चों को घर के अंदर बुला लेती थी। आज माँ बाप अपने बच्चों को जनकर लफ्ज मेरा सख्त होगा लेकिन हकीकत है राइट है, मेरा जुमला सबका दिल टूटेगा लेकिन बात सही है। आज हम इंसान बच्चों को जमकर ऐसे छोड़ देते हैं जैसे जानवर बच्चों को जमकर छोड़ देते हैं। क्या जवान लड़के रात के 12 को आते हैं, जवान लड़कियां रात के 2 को आते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। ये अच्छी बात है, हमारे घर की बच्ची हमारे घर का बच्चा रात के 12 को घर को आए, रात के 11 को घर को आए, रात के 1 को घर को आए, रात के 2 को घर को आए, क्या होगा? इज्जत सबकी प्यारी होती है। हजरत उमर ने फरमाया किसने कहा, हजरत उमर ने कहा, वो उमर कौन है रातों में पूरे शहर में फिरता था, आज बंगलौर में कोई काउंसलर रातों में फिरता है, कोई एमएलए रातों में फिरता है, कोई एमपी रातों में फिरता है, सीएम कभी रातों में बंगलौर का गश्त किया? सुन लो, ये धर्म की बात नहीं इंसानियत की हिफाजत की बात है, लेकिन ये बात अच्छी कुरान में है, ये बात अच्छी हदीस में है, ये बात अच्छी हमारे सहाबा की जिंदगियों में है। लिखा है कौम का लीडर कौम का अमीर कौम का बादशाह जब रातों में फिरता नहीं तो वो शहर चोरों का राज बन जाता है। हजरत उमर रातों में फिरते थे, कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई बंदूक नहीं। आजकल हमारे काउंसलर उनको तो मारता भी कौन भी नहीं, मारना भी नहीं उनको, कहीं को मारेंगे फिर भी उन्होंने जब फिरते बॉडीगार्ड। अच्छे काम करो तुम्हारे अच्छे काम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, अच्छे काम करो, यतीमों को दो, बेवाओं को दो, मजबूरों को दो, मिस्कीनों को दो, मोहताजों को दो, स्कूल में पढ़ने वालों को दो, उनकी जब दुआ और प्रार्थना लगेगी ना दुनिया की कोई ताकत किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। सबके धर्म में है और हमारा इस्लाम कहता है कि यतीमों की मदद करो, बेवाओं की मदद करो, मिस्कीनों की मदद करो। आज के जमाने में शरीफ साहब जिम्मेदारान सुनो, किस्म किस्म की बीमारी आ गई, अल्लाह हर बीमारी से हम सबकी हमारे मुल्क की सारी दुनिया की हिफाजत करे।
दुआएं करो। खतरनाक बीमारियां आ गई है और हल्की बीमारियां रहे भी तो इलाज खतरनाक बन गया है। या तो बीमारी खतरनाक, या तो इलाज खतरनाक, या तो डॉक्टर खतरनाक। बकरा और मुर्गा और मुर्गी बनकर खसाब के हवाले हो जाना, लेकिन मरीज बनकर डॉक्टर के हवाले नहीं होना। तो तुम भी डॉक्टर रहे तो माफ कर डालो रे बाबा। बात सही है, ऐसा हाथ पकड़ को छोड़िया तो 1000 रुपए। जर्रा आईना हला को देखा तो 1500 रुपए। जरा डिग्री रख को देखा तो 2000 रुपए। गरीबों का क्या होगा? बीमारी अमीर और गरीब नहीं होती, बीमारी सबकी एक होती है, तो फिर इलाज अमीर और गरीब क्यों होता है? मेरे भाइयों, जगत गुरु की मोहब्बत के इस स्टेज से, जगत गुरु की मोहब्बत के इस स्टेज से मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, मुल्क को, स्टेट को, शहर को, सिटी को जिन चीजों की जरूरत है उस पर आओ, मिलकर काम करेंगे। जिन चीजों की जरूरत नहीं है उन चीजों पर काम करना ये दिल के गंदा होने की दलील है। अब मुल्क को शहरों के नाम बदलने की जरूरत नहीं, मरीजों की खिदमत करने की जरूरत है। मुल्क को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने की जरूरत नहीं, मोहब्बत का प्याला पिलाने की जरूरत है। आज बीमारियां कीमती हो गए हैं। मेरे एक दोस्त बीमार हुए अभी करीब में, मौलाना तवज्जो चाहता हूं, उनका दूसरे गांव में इलाज हुआ 120 रुपए में। कितने रुपए में? 120 रुपए, वो भी वन टाइम नहीं, थ्री टाइम। एक वक्त 40 रुपए और एक वक्त 40 रुपए और एक वक्त 40 रुपए। वो 120 रुपए में भी 80 रुपए उन्होंने दिए। पहली मर्तबा मैं गया गुरु समझ को, वो भी नहीं लिया गुरु समझ कर, वो भी नहीं लिया। वो भी कौन दवा देने वाला? मुसलमान नहीं, हिंदू भाई। इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत किया, हमने उनको ऐसा हाथ उठाया, उन्होंने हमको ऐसा हाथ उठाया। जब हम क्यू में खड़े थे तो उन्होंने कहा सबके लिए क्यू है, गुरु के लिए क्यू नहीं? गुरु जहां रहता है वहां से क्यू होती है। अब मैं बुलाने को गया एक आदमी को खला में, मुझे जो ऑफर मिला वो देखो मेरे साथ रहने वाले 4-5 जने खा लिए। ये मौके का फायदा उठाने वाले हमारे मुल्क में ज्यादा है, मौके का फायदा उठाने वाले हमारे मुल्क में ज्यादा है। पूरा इलाज 120 रुपीज में हो गया, उसमें 40 रुपए तो दिया भी नहीं। उन्होंने कहा गुरु तुम्हारा आना ही बहुत बड़ा धन्य है। लेकिन वही इलाज मैंने अस्पतालों में किया, 30,000 रुपए तो सिर्फ टेस्टिंग में चले गए, फिर भी डॉक्टरों ने कहा कि बीमारी समझ में नहीं आ रही। 30,000 रुपीज ओनली फॉर टेस्टिंग, फिर भी रिजल्ट क्या आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। उनके स्पेशलिस्ट को बुलाएंगे, उनके स्पेशलिस्ट को बुलाएंगे, इसकी क्या जरूरत है? मैं ये बातें हटी हुई नहीं कह रहा हूं, बता रहा हूं, बता रहा हूं। आज बीमारियों का
का दौर है, जगत गुरु ने क्या कहा कि रोजाना तुम 5-10 रुपए सदका निकाल दो, ये सदका तुमको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाता है। सदका तुमको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाता है। सांप निकालो, सांप सांप निकालो, किसी गरीब को दान दो, दे दो पैसा 5 रुपए 10 रुपए 1 रुपया 2 रुपए 15 रुपए 20 रुपए दे दो, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाता है। बात लंबी हो गई, तमाम बातों को मैं छोड़ता हूं। अर्ज कर रहा था इज्जत सबकी प्यारी होती है। जगत गुरु ने बच्चों की तरबियत के बारे में 3 बातें मैंने आपके सामने बताया। एक वो चीज हाथ में ना दो जो बच्चों की तरबियत बर्बाद हो जाती है, दूसरा पैसे बच्चों को ज्यादा ना दो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, तीसरा उनको रात में देर तक घर से बाहर ना रखो, ये आजादी तुम्हारे बच्चों को तुम्हारा सर झुकाने पर मजबूर कर देगी। इसीलिए मैंने कहा कि हजरत उमर जो रातों में गश्त लगाते थे, हजरत उमर रातों में फिरते थे, हजरत उमर कौन थे? गांधी जी को मालूम था, नेहरू जी को मालूम था, हमारे बड़ों को मुल्क के मालूम था, हजरत उमर रातों में गश्त लगाते थे। एक जगह पर हजरत उमर ने कहा, बेहतरीन बात है शरीफ साहब, महबूब साहब, जावीद भाई, सब कान खोल कर सुनो। हजरत उमर ने कहा, बच्चों को आजादी देकर घरों की दीवारें ऊंची करना ये कमाल की बात नहीं है। बच्चों को आजादी देकर घरों की दीवारें ऊंची करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, दीवारें छोटी रखो लेकिन बच्चों की तरबियत अच्छी करो। बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा, बच्चे हमारे हाथों की लाठी, बच्चे हमारे बुढ़ापे के दर्द की दवा है। इसीलिए जगत गुरु ने क्या कहा, बच्चे ज्यादा पैदा करो। क्या बोला? एक बेटा एक बेटी, बेटी चले जाती बेटा रह जाता, अब बुरे भी बीवी का गुलाम बन जाता, बूढ़ा क्या होता, ओल्ड एज होम को चले जाता, ओल्ड एज होम को चले जाता। लेकिन जगत गुरु के कहने पर जरा गौर करो, 4-5 बच्चे होंगे, डैडी फादर बाप कहेगा तुमको बड़ा करके मैं बूढ़ा हो गया, तुम्हारी तुमको बड़ा करके मैं बूढ़ा हो गया, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए कमा कमा कर थक कर बैठ गया, अब मेरे हाथ से कमाने की ताकत नहीं, तुम 6 हो ना, एक एक की सैलरी 50,000, 60,000, 70,000 है ना, पूरा तुम रख लो। पर डे हर बेटा मुझे 200 रुपए दे देगा, तरबियत अगर अच्छी हो, 5 बेटे पर डे 200-200 रुपए अगर देंगे तो डैडी के पास कितना होगा पर डे? अरे बोलो, 1,000 रुपए पर डे। अगर 1,000 रुपए है तो मंथली कितना हुआ? आहिस्ता बोलो, अगर दिल्ली तक आवाज चले गई तो GST पड़ जाएगा। अब उनको तो फिक्र खाली लेने की है, देने की नहीं, वो आपस में लड़ाकर ले रहे हैं। लड़ाने वाला लीडर नहीं होता, देने वाला मिलाने वाला लीडर होता है। जगत गुरु ने कहा 4-5 बच्चे हो, आहा, जिसके 4-5 बच्चे हैं, बेंगलोर के अंदर कई ओल्ड एज होम हैं, जाओ सुबह ही जाओ, मेरा नंबर फोन नंबर ले लो, मेरा फोन नंबर ले लो, मैं बाहर से नहीं आया,
मैं बेंगलोर से आया, सिक्योरिटी के साथ नहीं आया, सिंगल आया, कार में बैठकर नहीं आया, टू व्हीलर में आया, चलता फिरता रहता हूँ, आपके माहौल में रहता हूँ, अल्लाह पर पूरा भरोसा है, मोहब्बत आपके साथ है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, मेरा नंबर ले लो, जाओ कल ही जाकर देखो ओल्ड एज होम में कि जो बूढ़े हैं वो सब के सब वो लोग हैं जिनका एक बेटा है, जिनके चार पांच बेटे हैं, ऐसे बच्चों का कोई बाप ओल्ड एज होम में नहीं है, ऐसे और इतने बच्चों की कोई माँ ओल्ड एज होम में नहीं है। क्यों? अगर ये बेटा नहीं पाला, वो बेटा कहता मैं पालूंगा मेरी माँ को, अगर वो नहीं पाला वो कहता है मैं पालूंगा मेरे डैड को, मेरे फादर को, मेरे अब्बा को। पांच छह में कोई तो अच्छा होगा जो अपने माँ बाप को आखिरी वक्त तक पालेगा। अगर एक अच्छा हो तो पालेगा, अगर एक खराब हो तो क्या होगा, निकल जाएगा। 1450 साल पहले जगत गुरु ने ये पॉइंट बताई है, ये फलसफा बताया है। अभी 15 दिन पहले अखबार में अमेरिका के साइंटिस्ट का एक रिपोर्ट आया। मेरी माए कान खोल कर सुनो, पर्दे में बैठी हुई मेरी माए कान खोल कर सुनो, गौर से सुनो। वही जोड़ना चाहता था शरीफ साहब, आजकल हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने धर्म पर भरोसा नहीं, साइंस पर भरोसा है। धर्म पर भरोसा नहीं, किस पर भरोसा? साइंस पर भरोसा। अरे मेरे भाइयों, साइंस जहां खत्म होती है वहां धर्म शुरू होता है। साइंस जहां खत्म होती है वहां धर्म शुरू होता है। साइंस समझ में आती है, धर्म समझ में नहीं आता। आज फिर भी लोगों को साइंस पर भरोसा है। महबूब साहब, 5-10 मिनट में बात खत्म कर दूं, सुनो, शुरू की 3 बातें अर्ज करना है। अभी अमेरिका, अमेरिका क्या बोलो? अमेरिका, अमेरिका कहां पढ़ रहा अभी तुम्हारा बच्चा? बीजापुर की मेडिकल कॉलेज, बीजापुर में। कहां पढ़ रहा तुम्हारा बच्चा? अमेरिका। क्या अमेरिका आसमान में है क्या? अमेरिका चांद में है क्या? अरे मेरे दोस्तों, हर किस्म का इल्म बेहतर से बेहतर हमारे इंडिया में था। सही, हमारे इंडिया में जबरदस्त। कभी जावेद भाई को बोलो खाली साइंस क्या है वो बताने का जलसा रखो, बोलो मैं आकर इंशाल्लाह ऐसा साइंस पेश करूंगा, साइंस दान भी दीवाना हो जाएगा। लोग समझते हमारे कुरान में साइंस नहीं है, हमारे हदीस में साइंस नहीं है। मेरे भाइयों, साइंस तो हमारे कुरान का निकला हुआ नुक्ता है। सुनो, अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका से जो भी रिपोर्ट आ जाती है सब कबूल कर लेते हैं। इंडिया की रिपोर्ट है कबूल नहीं करते। अगर किसी चीज में मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, मेड इन कोरिया, ओ मेड इन इंडिया, इंडिया। कपड़ा कहाँ का? मेड इन जापान, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। शादी में सूट देते हैं मेड इन जापान, सूट पहन पहन के न्यू फिरता है, मेड इन इंडिया का कपड़ा। मेड इन इंडिया जबरदस्त है, मेड इन इंडिया जबरदस्त है, फिर भी लोगों की मेंटालिटी है अमेरिका से रिपोर्ट आ गई तो लोग कबूल कर लेते हैं। वही अमेरिका की साइंस की जमात का एक आदमी कहता है, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत की उम्र ज्यादा होती है। आपा अमल कर, टूथ बच्चे ज्यादा पैदा करने में रोकती। मेरे पास एक नौजवान आया, तुम्हें क्या मौली साहब बयान कर डालते ही, जाको बोले तो मानती नहीं। मैं बोलिया, घुग्गू क्या तू?
मुर्गी की पूंछ को मसाला पीसता क्या? गर्ज। तीन चीजें हमारी तुम्हारी नहीं, सबकी, एक अल्लाह, सिर्फ हमारा नहीं सबका, दूसरा मोहम्मद, सिर्फ हमारा नहीं सबका, तीसरा कुरान, सिर्फ हमारा नहीं सबका। इसीलिए शरीफ साहब, हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे हिंदू शायर भी पैदा हुए हैं जो हुजूर की मोहब्बत में ऐसे ऐसे अशआर पढ़े हैं। आज मैं पढ़ता हूं, चंद अशआर सुनो। वो भी ये अशआर लिखने वाले कौन है मालूम? महेंद्र सिंह बेदी, बेदी उर्दू के शायर थे। आज जुबान भी बांटते, ये जुबान तुम्हारी, ये जुबान हमारी, सब जुबान हमारी है, लेकिन चूंकि हमें कर्नाटक में है, हमें उसे पहला रेफरेंस देते हैं। लेकिन कन्नड़ भी हमारी, तेलुगु भी हमारी, अंग्रेजी भी हमारी, उर्दू भी हमारी, मलयालम हमारी, सब जुबानों में क्या लड़ना है मेरे दोस्तों? अगर जुबान दूसरों की होती, ये सेकुलर हिंदू भाई जिसका नाम महेंद्र सिंह बेदी 1909 में पैदा हुए, 7 साल जिंदा रहे, उस दौर के जबरदस्त उर्दू के शायर थे, हुजूर की मोहब्बत में नात लिखी, एक नात नहीं 200 नात लिखी, उसमें से एक नात के चंद अशआर सुनो। हमारे हिंदू भाई हुजूर की मोहब्बत में क्या कहते हैं? हम किसी दीन से हो खाइल है, किरदार तो है। बोलो बस, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, काम करो, इन्ना लिल्लाह, बोलो उतर जाते। हम किसी दीन से है खाइल है, किरदार तो है, हम सना खान से है, हैदर करार तो है, ना बुलवा है मोहम्मद के परस्तार तो है, ना बुलवा है मोहम्मद के परस्तार तो है, याने महबूब रब्बे अहमद मुख्तार तो है। ये शेर देखो क्या बोलते हैं उन्होंने, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। क्या कहते हैं शायर? हुजूर से हमको भी इश्क हुआ है। मुसलमान ये ना सोचे मोहम्मद सिर्फ मुसलमान के हैं, हमारे भी हैं। इसलिए मोहम्मद के पैगामात बड़े जबरदस्त हैं। मैं शुरू की बातों में ही लगा रहा, दोस्तों खास तौर पर मेरे भाइयों, हुजूर की एक एक सुन्नत पर अमल करो। आज सारी दुनिया हुजूर के तरीके को फॉलो करने पर मजबूर है। उठे तो नबी का तरीका, बैठे तो नबी का तरीका। खास तौर पर मैं दो बातें अर्ज करता हूं। एक, हमारे नौजवान आजकल टोपियां नहीं पहनते, टोपियां पहनो, पिलाओ को टोपियां पिलाओ को, लेकिन टोपियां पहनो। हमारे नबी कभी खाली सर नहीं थे। तुम टोपी पहनोगे, सारी दुनिया कहेगी मोहम्मद का गुलाम। दूसरी बात, अपने सर के जो बाल रखते हैं हमारे मुसलमान नौजवान, तुम्हारा तरीका मोहम्मद के तरीके के खिलाफ है। हम मोहम्मद का कलिमा पढ़ते हैं तो किसका मतलब क्या? हमारा हर तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो। लेकिन हमने देखा नौजवान किस्म ब किस्म की कटिंग में मुब्तला है, फिर भी वो नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं। गलत है। इस्लाम
खास तौर पर मेरे आका ने बाल रखने का तरीका सिखाया, बताया या तो बाल रखो या तो पूरे बाल एक साथ मुंडा दो। अगर रखना है तो तुम पूरे बाल लेवल के रखो, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, इधर ज्यादा इधर कम, इधर कम, ये इस्लाम का तरीका नहीं। अगर रखना है पूरे बाल बराबर रखो, बीच में मांग काटो, इधर आधे छोड़ो इधर आधे छोड़ो, रखना है ऐसा रखो, रोज तेल लगाओ, कंघी करो, अपने बालों की हिफाजत करो, फिर उसके बाद उस पर टोपी या इमामा पहनो। लेकिन हमारे नौजवान अजीब अजीब किस्म के बाल रख रहे हैं, सुन्नत के खिलाफ है। और एक बात कहता हूं सुनो, इस्लाम मर्दों को जेवर पहनने से मना किया है। हमारे नौजवान हाथों में ब्रासलेट, गलों में चैन मस्जिदों में पहनकर आ रहे हैं, जलसों में पहनकर आ रहे हैं, और वो पहनना उनके निगाहों में कोई ऐब नहीं है, गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा। पैगंबर ने एक सहाबी जिनके पास जेवर था, आका ने उनको अपने करीब आने नहीं दिया, फरमाया कि तेरे अंदर मैं गलीज बू पाता हूं। नौजवानों, जेवर औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं। गले में चैन मुसलमान मर्द नहीं पहन सकता, हाथों में ब्रासलेट नहीं पहन सकता, अंगूठी हो 4 ग्राम की पहन सकता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन बात सारे ऐसे हैं कि इन जेवरात को पहनते हैं, जब उनसे कहा जाता है तो कहते हैं चांदी ना हजरत, चांदी भी पहनने की लिमिट है, उससे ज्यादा आप चांदी नहीं पहन सकते। बाद नौजवान तो कान में एक बाली भी डालते हैं, पहले यह तो साबित करो भैया की भाभी बाला भी वही से, जेवरा भी वही से, कपड़े भी वही से। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने हमको हर तरीका सिखाया है, क्या पहनना, कैसा पहनना, कितना पहनना, मर्द क्या पहनना, औरत क्या पहनना। मेरे पास वक्त होता तो मैं तफसील के साथ आपके सामने मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को पेश करता। मोहब्बत सिर्फ मोहल्ले को सजाकर, जलसा मुनक्किद करके, लाइटा लगाकर, मुर्गी की बिरयानी पकाकर खाकर खिलाना, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत मेरे नबी की सुन्नतों पर अमल करना है मोहब्बत। वरना यहां जितना मजमा बैठा है, अब तक मैं सबको मिलाकर बात कर रहा था, अब जो कह रहा हूं मुसलमानों वो सिर्फ तुम करने के काम हो, इसलिए तुमसे कहता हूं प्यारे आका से मोहब्बत का दावा करें और आका की सुन्नतों पे अमल न करें। औलिया फरमाते हैं वो पक्का झूठा, झूठा नहीं पक्का झूठा है। हुजूर से मोहब्बत का दावा करे, नमाज नहीं पढ़ता, कज्जाब। हुजूर से मोहब्बत का दावा करता है, दाढ़ी नहीं रखता, कज्जाब। हुजूर से मोहब्बत का दावा करता है, टोपी नहीं पहनता, कज्जाब। हुजूर से मोहब्बत का दावा करता है, बुर्का बीवी को, माँ को, बहन को, बेटी को नहीं पहनाता, कज्जाब। हुजूर से मोहब्बत का दावा करता है, अपने आंखों की हिफाजत नहीं करता, कज्जाब। हुजूर से मोहब्बत का दावा करता है, अपनी प्यार और अपनी इजार टखने से ऊपर नहीं पहनता, कज्जाब है वो आशिक नहीं। और ऐसे लोगों की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल के दरबार में कबूल नहीं। अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, कौन कौन अमल करेंगे हाथ उठाओ। अल्लाह मुझे भी आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अमल हमारी ताकत है। इंशाअल्लाह अमल आ जाए तो हालात बदल जाएंगे, हालात में प्यार आ जाएगा,
हालात में मोहब्बत आ जाएगी। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।